शांति, जोर से बोलेंगे प्यार। ओम शांति, ओम शांति। इन दीपकों को देख करके कितना अच्छा लग रहा है, जलता हुआ दीपक कितना अच्छा लग रहा है बताइए। तो आप सभी की जब ज्योति जगमगाएगी तो दुनिया में कितना अच्छा लगेगा। आत्मा की ज्योति का प्रकाश जब फैलेगा, क्योंकि आत्मा भी ज्योति स्वरूप है और शिव बाबा ज्योति का सागर है, ज्योति पुंज है जिससे हम सब आत्माओं की बुझी हुई ज्योति जल रही है, बाबा ने जगा दी है। अब कौन सा दीपक बनना है, टिमटिमाता हुआ दीपक बनना है या चौमुखी दीपक बनना है, क्या कौन सा बनना है? चौमुखी बनना है, चारों तरफ रोशनी देनी है। तो दीपक कहते ऐसा दीपक नहीं बनो, एक दीपक वो भी होता है कि अंदर रखो तो चूहा खाए और बाहर रखो तो कौवा ले जाए, वो कौन सा दीपक है? वो आटे का दीपक है, अंदर रख दिया आटे दीपक तो चूहा उठा ले जाएगा, और आटे का दीपक बाहर रख दिया तो कौवा खा लेगा, वो उठा ले जाएगा। तो ऐसा भी दीपक नहीं बनना है कि छोटी सी चूहा जैसी परिस्थिति आए और हम घबरा करके समाप्त हो जाए, या चौकाए मालूम नहीं कौवा खा ले। तो हमें मजबूत बनना है। तो एक दीपक होता है जो आप ये दिवाली का देख रहे हैं, दूसरा दीपक होता है कुल का दीपक। बच्चे को क्या कहते हैं? कुल दीपक है, कई तो नाम भी रखेंगे कुलदीप। और तीसरा दिया होता है उम्मीदों का दीपक, कहते उम्मीदों की किरण जाग रही है। और आशाओं का दीपक, और फिर सफलता का दीपक। तो हमें सब सारे दीपक के साथ साथ हमारा लक्ष्य है सफलता का दीपक बनना। तो जब इस रोशनी को देख के इतना सुंदर लग रहा है, तो जो बाबा के बच्चे जिनकी आत्म ज्योति जग चुकी है, अगर वो सदा जलती रहे तो सबको प्रकाश दे सकते हैं, रोशनी सबकी आशाओं को बांध सकते हैं, उन्हों को आशा की किरण पहुंचेगी जो निराशा में, जो ना उम्मीद है उनको उम्मीदों की किरण पहुंचेगी। तो हमारी आत्म ज्योति से उनको बल मिले, इसीलिए कहा गया गीत भी है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो।